यूपी टीईटी की परीक्षा आज उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में संचालित की जानी थी, जिसके चलते यूपी टीईटी की परीक्षा रद्द होने का मामला सामने आया। बता दें कि परीक्षा रद्द होने का कारण पेपर लीक होना माना जा रहा है। बहरहाल यूपी टीईटी की परीक्षा रद्द होने से परीक्षार्थियों में काफी आक्रोश पनप रहा है। वहीं स्थिति गड़बड़ न हो जिसको लेकर परीक्षा केंद्र के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं परीक्षा रद्द होने पर मुरादाबाद जनपद में शहर के अंदर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। बता दें कि परीक्षा रद्द होने के बाद परीक्षार्थी काफी मायूस नजर आ रहे हैं। वहीं यह बात भी सामने निकल कर आ रही है कि लगभग 21 लाख परीक्षार्थी इस परीक्षा में बैठने वाले थे। जी क्यों किया गया है आज पेपर? गवर्नमेंट का कहना है कि ये पेपर लीक हो गया था, जिसकी वजह से ये पेपर कैंसिल हुआ है। और मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को ये चीज़ पहले देखनी चाहिए कि वो अपना पूरी तरह से सख्ती बरते हैं। काफ़ी लोग हैं जो दूर दूर से आए हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बहुत से लोग अपने घर के फंक्शन छोड़ के आए हैं, जैसे कि मैं मेरे घर में भी फंक्शन था, वो मैं छोड़ के मैं जा नहीं पाई और यहाँ पे पेपर देने आई और आधा पेपर भी नहीं हो पाया और वो पेपर छीन लिया गया। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग बहुत परेशानियों का सामना करके यहाँ पहुँचे हैं। जिन लोगों के बिना पर ये पेपर कैंसिल हुआ, उनके भविष्य से खेला जा रहा है, इसे लोगों के साथ में क्या किया जाए? ये देखिए, ये तो गवर्नमेंट का फैसला है कि वो क्या करते हैं। मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट को ही सख्त होना चाहिए कि वो पेपर इस तरह से मतलब लीक क्यों होता है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की ही कमी है कि पेपर लीक हो रहे हैं। काफ़ी मेहनत है, बिल्कुल मेहनत है। लोग आए हैं, दूर से आए हैं, दो लोग बाग दूर से आए हैं, अपनी कोई बाहर से आया है, कोई कितने सामना करके आया है, कितने लोगों को एंट्री नहीं मिल रही थी, उसके बावजूद वो लोग कैसे ना कैसे उनको एंट्री लेनी पड़ी, क्योंकि उन्हें पेपर देना था, उनकी मेहनत का सवाल था, और आखिरी में क्या हुआ, पेपर ही छीन लिया। तो ये सब तो गलत है ना। मैम क्या नाम है? मीना भारती। मैम आज कौन सी परीक्षा थी? यूपी टेट। और मेरा आरएन इंटर कॉलेज। कहाँ से आए? मैं पागवाड़ा थाने से। आज आप परीक्षा देने आए तो क्या नाम हुआ, क्या पता चला? परीक्षा लीक हो गई। कुछ कारण पता चल पाया हो? नहीं, ये तो ऐसा कुछ नहीं बताया था उन्होंने। तैयारी 4 महीने, क्योंकि एग्जाम पहले जुलाई में होने वाला था, 25 जुलाई को। अब जब आप यहाँ पे आएंगे तो कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा, वो तो होती ही है समस्या कहीं से आए तो बस।